नमस्कार दोस्तों, मैं हिंदी गुरु अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं ट्रिपल सी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, आप लोग यूपीपीसीएल टेक्नीशियन के लिए तैयारी अगर कर रहे हैं तो आपको ये जरूर पता होगा कि आपका जो फर्स्ट पेपर होने वाला है वो टोटल टोटल 50 क्वेश्चन केवल कंप्यूटर के होने वाले हैं, और उसमें आपको क्वालिफाई करना भी जरूरी है। यदि आप उसमें क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आगे का जो आपने पेपर दिया है उसको वो चेक नहीं किया जाएगा। तो इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट ये बन जाता है कि आप कंप्यूटर की बहुत अच्छे से तैयारी करें और उस सेक्शन में आप क्वालिफाई हो जाएं, तभी आपके आगे की कॉपी चेक होगी। आपने अगर दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिएगा, उसमें आपको पता चलेगा कि जो आप यूपीपीसीएल ने लास्ट ईयर से अपना जो है जो एक लेवल है उसको अप रखा हुआ है, यानी वो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं कि कंप्यूटर वाले सेक्शन को ही चेक करके आपको सॉर्ट कर लिया जाए, उसमें से छाट लिया जाए। ठीक है, तो आपको प्राइमरी फोकस करना होगा कि आपका कंप्यूटर का पेपर बहुत ही अच्छा होना चाहिए, उसके बाद ही आगे की बात की जाएगी। ठीक है, तो मैं यहां पर दोस्तों आपको जो है प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूं ऐसे कंप्यूटर क्वेश्चंस जो ट्रिपल सी लेवल के हैं और वो आपके एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, और आपको वो कंप्यूटर की तैयारी करने में पूरी मदद करेंगे। इस वीडियो को पूरी देखिएगा, इसके बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में जो भी आपके डाउट्स वगैरह हैं उसको पूछ सकते हैं, और इसी तरह मैं अन्य भी वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि डाटा को घटते व बढ़ते क्रम में निम्न में से किसके प्रयोग द्वारा किया जा सकता है, यानी आपको जो डाटा आता है उस डाटा को घटते से बढ़ते क्रम में लगाना है। तो अगर पहले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा बी। ठीक है, जो डाटा मेन्यू होता है उसको सॉर्ट कमांड के द्वारा आप ऐसा काम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक लाइट पेन क्या है। ठीक है, लाइट पेन के बारे में पूछा जा रहा है, तो आंसर इसका होगा दोस्तों, जो लाइट पेन है वो आपकी एक है पॉइंटिंग डिवाइस। ठीक है, आपको ये पता होगा दोस्तों, जो लाइट पेन होती है ये एक इनपुट डिवाइस होती है जिसके द्वारा आप जो है कंप्यूटर की स्क्रीन पर लिख सकते हैं। ठीक, आगे बढ़े दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए है कि टेबल बनाने के लिए निम्न में से क्या संभव नहीं है। देखिए, यदि आपने इस पे प्रैक्टिकल वर्क नहीं किया है तो आप नहीं समझ पाएंगे कि जो है इसमें क्या चीज़ संभव है या नहीं है। अगर हम यहाँ पर सीधे सीधे दोस्तों आंसर की बात करें तो आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, टेबल में रो को जोड़ पाना ये भी संभव है। देखिए, मैं आपके लिए एक्सेल और वर्ड की ये आपकी ऐसी क्लासेस लेके आऊंगा जो प्रैक्टिकल बेस्ड होगी, जहां पे आपको ये सारी चीजें करके दिखाई जाएंगी ताकि आपको वो दिमाग में बैठ जाए और आप लंबे समय तक उसको याद रख पाए। ठीक है, चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि फॉन्ट को अगर आपको एक पॉइंट कम करना है तो उसके लिए किस कुंजी का प्रयोग करना होगा। तो चलिए देखिए आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, अगर फॉन्ट को आपको एक साइज कम करना है तो उसके लिए हम लोग किस कुंजी का प्रयोग करेंगे, तो आप करेंगे फोर्थ का ए ऑप्शन, यानी कंट्रोल के साथ ये वाले ब्रैकेट को आप लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, एक जी एक कम हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि कंप्यूटर का मूल्य कार्य क्या है, यानी कंप्यूटर किस लिए बना है, वो क्या कार्य को करता है। तो आंसर अगर देखें दोस्तों फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में, तो आंसर आपके लिए क्या होगा, आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि वो आपके लिए ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक एप्लीकेशन भी करता है, लॉजिक एप्लीकेशन भी करता है, और स्टोरेज व पुनः प्राप्त करना यानी स्टोर करने का काम और उसको पुनः आपको देने का काम भी करता है, इसलिए यहां पर डी ऑप्शन आपके लिए सही होगा। देखिए, सभी लोग जो दोस्तों यूपीपीसीएल टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लें और ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, क्योंकि मैं कंप्यूटर के साथ साथ आपके लिए जो सेकंड पेपर होगा उसका भी मॉडल पेपर और जो है प्रैक्टिस पेपर आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चंस उसमें रहेंगे जो आपको अन्य किसी प्रैक्टिस सेट में नहीं मिलेंगे। ठीक, चलिए सिक्स नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि कंप्यूटर की दो प्रमुख चिप कौन सी है। तो आंसर की बात करते हैं दोस्तों, तो जो आपका कंप्यूटर होता है उसमें जो है प्राइमरी मेमोरी चिप भी होती है और जो है ए व बी दोनों, यानी माइक्रो प्रोसेसर तो होता ही है, इसके साथ साथ प्राइमरी मेमोरी चिप भी होती है। ठीक है, आगे बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। यहां पर सातवां नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वह नेटवर्क जो कंप्यूटर व अन्य डिवाइस को एक छोटे भूभाग में आपस में जोड़ता है, जैसे घर, स्कूल, कंप्यूटर लैब व बिल्डिंग आदि, तो ऐसी जगहों पे किस नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो अगर हम आंसर की सीधा सीधा बात करते हैं तो आंसर हो जाएगा लैन का, लोकल एरिया नेटवर्क, लैन। इस लैन के द्वारा ही दोस्तों कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए, एट नंबर क्वेश्चन है कि प्रिंट सर्वर द्वारा प्रयोग किया जाता है, इसमें डाटा प्रिंटर को भेजे जाने की प्रक्रिया के दौरान सुरक्षित रखा जाता है। ये एक अलग टाइप की शब्दावली है जो कंप्यूटर से जुड़ी हुई है। इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा क्या, एट का बी हो जाएगा, स्पूल। ठीक है, ये एक प्रकार का दोस्तों एक समझ लीजिए बफर मेमोरी के टाइप का होता है, यानी जब आप अपने कंप्यूटर में कोई कमांड डालते हैं और आपके प्रिंटर में वो जाने से पहले एक बफर में क्रिएट हो जाता है और वहां पर उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पूल बोलते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
कंप्यूटर के किस भाग को आप देख व छू सकते हैं? ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर हम लोग आंसर देखें दोस्तों, तो जितना भी इसका पेरिफेरल्स है, पेरिफेरल्स मतलब क्या, कंप्यूटर के साथ में यूज होने वाले जितने भी हार्डवेयर्स हैं वो उसके पेरिफेरल्स होते हैं, ठीक है। तो ये आप क्या कर सकते हैं, आप देख भी सकते हैं, इसको छू भी सकते हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यूजर इंटरफेस से क्या तात्पर्य है? चलिए, यूजर इंटरफेस से क्या तात्पर्य है, आप अगर इसको पढ़ करके देखेंगे कि इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि यूआई यानी यूजर इंटरफेस से आपका क्या तात्पर्य है, तो आंसर क्या होता है दोस्तों, यूजर इंटरफेस, ये पहला वाला ऑप्शन जो यूजर को स्क्रीन पर दिखाई देता है और कैसे उसका प्रयोग कर सकते हैं ये बताता है, ठीक है। जैसे जीयूआई पे वर्क करते हैं, जीयूआई क्या होता है, ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस, यानी हर चीज आपको ग्राफिकल माध्यम से समझाया जाता है और वो आपके लिए इतना फ्रेंडली होता है कि आराम से आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं, ठीक है। इन सभी चीजों का अगर आपको देखिए दोस्तों, अगर आपको लेक्चर वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, अगर आपको लेक्चर भी चाहिए होगा तो मैं उसी के हिसाब से आपको लेक्चर भी प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। पढ़ने में इतना ईजी होगा कि आपको हर कुछ वहां पे समझ में आएगा। चलिए, क्लिप आर्ट के चेहरे की दिशा बदलने के लिए निम्न में से किस टर्म का प्रयोग करेंगे? तो यदि आप दोस्तों बहुत सारे ऐप को यूज करते होंगे तो आपको पता होगा कि यदि किसी भी चीज को हमें उल्टा करना है, घुमाना है, तो हम क्या करते हैं, उसको फ्लिप ऑप्शन को चूज करते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, वो फ्लिप हो जाता है यानी पलट जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि वर्कशीट में कुल रो कितनी होती है? तो अगर दोस्तों बात किया जाए, आज तक किसी ने गिना नहीं होगा, यदि आपने पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो आपको गलती हो जाएगी। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी 65,536 रोज होती हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये पर वर्कशीट ये आपके एक्सेल से संबंधित है, तो आप देख रहे होंगे दोस्तों कि अभी हम लोग 13वें नंबर क्वेश्चन पे पहुंच रहे हैं और आपने देखा कि कंप्यूटर के लगभग बहुत सारे टॉपिक से आपके लिए क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो इसी चीज को दोस्तों हमें क्या करना है, ग्रैब करना है, हर चीज हमको याद कर लेनी है, गलत नहीं होना चाहिए। यदि आप कंप्यूटर के जो है सेक्शन में क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपकी चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए 13 का बी, 13 देख लीजिए दोस्तों, क्या है, एकल यानी सिंगल कम्युनिकेशन चैनल क्या होता है दोस्तों, वो होता है आपका ब्रॉडकास्ट। देखिए, एकल सिग्नल कम्युनिकेशन चैनल मींस क्या है, आप समझिए, इसका मतलब यह है कि आपने मैसेज भेजा लेकिन उधर से जो है आपको ये नहीं पता चला कि उनको रिसीव हुआ या नहीं हुआ। ब्रॉडकास्टिंग मींस होता है कि एक साइड से ही केवल मैसेज का जो है सेंडिंग होती है, दूसरे साइड से ऐसा कोई भी कम्युनिकेशन का माध्यम नहीं होता है, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए कि एक डीवीडी किसका उदाहरण है, तो आंसर की बात करें दोस्तों तो 14 का आपके लिए सी हो जाएगा। डीवीडी क्या होती है, आपकी एक ऑप्टिकल डिस्क डिवाइस होती है, ठीक है, जिसमें आप डेटा वगैरह को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। आइए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, फोरट्रैन क्या है? तो अगर दोस्तों आपने जो है आज से पहले कंप्यूटर को थोड़ा भी सीरियस लेकर के पढ़ा होगा तो आपको पता होगा जो ये फोरट्रैन होता है, ये आपका फार्मूला ट्रांसलेशन, यानी आपको कह सकते हैं कि ये एक लैंग्वेज है, ये इसको जिसका अगर फुल फॉर्म क्या है, फार्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि कंट्रोल के साथ यदि आप स्टार कुंजी प्रेस करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? तो ये सारी चीज़ें दोस्तों प्रैक्टिकल बेस्ड है, यदि आपने प्रैक्टिकल नहीं किया है तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा दिमाग में होना एक अलग बात हो जाएगी। चलिए, प्रिंट ना होने वाले करेक्टर को दिखाने या छुपाने के लिए हम लोग कंट्रोल के साथ इस कुंजी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सामान्यतः प्रयोग होने वाली कमांड और टूल का प्रयोग आप निम्न में से किस बार द्वारा कर सकते हैं? सामान्यतः मतलब कि यूजुअल जो आप चीज़ों का प्रयोग करते हैं उसकी बात की जा रही है। तो देखा जाए दोस्तों तो जो है ज़्यादातर जो आपके टूल वगैरह और कमांड वगैरह होते हैं ये सब टूल बार और ऊपर स्थित मेनू बार वगैरह में होते हैं, तो आंसर आपका यहाँ पे 17 का बी हो जाएगा, टूल बार। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्कशीट में आपस में अलग अलग सेल जो निकटवर्ती नहीं है को सेलेक्ट करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं, यानी किस कुंजी को दबा करके आप एक से ज्यादा सेल को सेलेक्ट कर सकते हैं? तो आंसर क्या होगा दोस्तों, वो होती है आपकी कंट्रोल कुंजी, ठीक है, कंट्रोल कुंजी के साथ ये कार्य किया जा सकता है। आगे बढ़िए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि मॉनिटर एक टीवी सेट की तरह होता है लेकिन यह, देखिए मॉनिटर और टीवी में अंतर है, आप हर मॉनिटर में टीवी नहीं देख सकते और हर टीवी में मॉनिटर वाला वर्क नहीं कर सकते हैं, तो उसमें क्या जो है अंतर होता है, यहां पे 19 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें उपयुक्त में से कोई भी नहीं है, ऐसा यहां पर कोई भी चीजें नहीं लिखी हुई हैं, ठीक है। उसमें देखिए दोस्तों, अगर मॉनिटर है तो उसमें एक कार्ड लगा होता है, टीवी ट्यूनर टाइप का कार्ड होता है, जिसके वजह से आप जो है टीवी वाली चीज़ें मॉनिटर पे देख पाते हैं, ठीक है। आप तो नए नए टाइप के मॉडर्न जो टेक्नोलॉजीज आ गई हैं उसमें बहुत सारी और भी चेंजेस हैं, लेकिन पहले जो है इसी प्रकार के कार्ड वगैरह का प्रयोग करके इसका उपयोग किया जा सकता था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि फाइबर ऑप्टिकल डाटा ट्रांसमिशन के प्रयोग से निम्न में से क्या लाभ है? फाइबर डाटा ऑप्टिकल ट्रांजेक्शन जो आपका जो है ट्रांसमिशन होता है वो बहुत ही फास्ट होता है, इसके बारे में आपको जानकारी होगी ही,
ठीक है, जिसको हम लोग ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं आज की डेट में। तो चलिए 20 का आपके लिए डी ऑप्शन, यानी डाटा की चोरी की रोकथाम, डाटा ट्रांसमिशन की तेज गति, कम शोर होता है, ये सभी चीजें जो है आपके ऑप्टिकल फाइबर में होती हैं, और साथ ही साथ ये थोड़ा सा और भी चीजों से सस्ता पड़ जाता है, इसलिए जो है ये आपके लिए इजीली अवेलेबल भी हो जाता है और लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी के साथ आप इसको प्रयोग कर पाते हैं। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है कि विंडोज एक्सप्लोरर एक फाइल मैनेजमेंट प्रोग्राम है जिसका प्रयोग आप कर सकते हैं। चलिए विंडोज एक्सप्लोरर, यदि आपने कंप्यूटर को चलाया होगा तो आपको पता होगा जो विंडोज एक्सप्लोरर है इसमें से ये जितने भी काम लिखे हुए हैं सभी आप कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। हाँ, विंडोज 95 या 98 व एक्सपी में फाइल के नाम की लंबाई कितनी होती थी, यानी यदि आपको किसी को फाइल नेमिंग करनी है तो आप कितना करेक्टर उसमें लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग दोस्तों 2000 ये सॉरी ये 2095 और 98 या एक्सपी की बात करते हैं तो उसमें आप लोग 255 करेक्टर तक आपको सीमित था, यानी 255 करेक्टर से ज़्यादा आप किसी भी फाइल का नाम नहीं दे सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, 23 नंबर क्वेश्चन कि US सरकार के किस विभाग ने इंटरनेट को शुरुआती स्तर पर बनाया था। तो 29 का जवाब देख लें यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, तो इसका जो जो है आपका 23 क्वेश्चन नंबर है आपके लिए 23 का, देखिए ये जो फौज विभाग था दोस्तों US गवर्नमेंट का, उसने इसको डेवलप किया था। ठीक है, आगे बढ़िए 24, एक सेल को किसके द्वारा परिभाषित किया जा सकता है। तो अगर आंसर की बात करें दोस्तों यहाँ पर आंसर देख लीजिए क्या होने वाला है, तो आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी, भाई कॉलम व रो दोनों को अलग करने वाले भाग जो होते हैं वो भी एक सेल होता है, एक इनपुट बॉक्स यानी जिसमें आप लिखते हैं वो भी होता है, और एक आयताकार मार्कर यानी सेल जो आपका होता है वो ऐसे दिखाई पड़ता है। ठीक है ना, तो इसीलिए उपयुक्त सभी हो जाएगा। आइए 25 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन एक सेल नंबर के रूप में डाला जा सकता है, यानी आप उसको जो है ये सेल नंबर डाल सकते हैं। तो 25 का आंसर देखें दोस्तों, तो यहाँ पर जितना भी लिखा हुआ है सभी को आप एक सेल में जो है डाल सकते हैं, चाहे आप ये डाटा हो चाहे ये हो चाहे ये हो, सभी को आप लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26, ऑफिस में डाटा शेयर करते समय डैश डैश डॉक्यूमेंट वह डॉक्यूमेंट है जिसमें डाटा की सर्वप्रथम एंट्री की गई होती है। समझ के जवाब देंगे तो आसानी से समझ में भी आएगा और जवाब भी आप दे पाएंगे। आंसर देखिए दोस्तों, वो होता है सोर्स। ठीक है, ऑफिस में डाटा शेयर करते समय सोर्स जो डॉक्यूमेंट होता है वही की सबसे पहले क्या की जाती है, प्रविष्टि की जाती है कि ये डाटा का सोर्स क्या है। ठीक है, आगे बढ़िए 27 देखिए, जब आप डाटा इंपोर्ट करते हैं तो आप चाहते हैं कि वास्तविक डाटा के साथ आपकी स्लाइड में भी बदलाव आए, तो आपको क्या करना पड़ेगा। चलिए आंसर देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए आंसर होगा डाटा लिंक करके, डाटे को लिंक करके आप इस प्रकार का जो है कार्य कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ISP अपने आप में एक दूसरे से किसके द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, ISP की बात की जा रही है, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, वो किस प्रकार जुड़े होते हैं, तो दोस्तों ये लोग आपस में एक दूसरे से NAP के यानी नेटवर्क एक्सेस पॉइंट के द्वारा जुड़े होते हैं। आगे बढ़ते हैं, सर्वोत्कथन का चुनाव करना है। देखिए भाई इसको आपको पढ़ के करना है कि पत्र के साथ प्रिंट के लिए मेल मर्ज का प्रयोग होता है, पत्र व मेलिंग लेबल के प्रिंट के लिए मेल मर्ज का प्रयोग होता है, मेल मर्ज इनवलप के प्रिंट के लिए प्रयोग होता है, ये किस लिए प्रयोग होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए अगर आंसर की बात करें दोस्तों तो यहां पर जितनी भी चीजें लिखी हैं सभी सत्य हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 30 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सी सुविधा MS वर्ड में उपलब्ध नहीं है। तो यदि आपने दोस्तों MS वर्ड के ऊपर काम किया है तभी आप ये बता पाएंगे कि ये सुविधा आपको MS वर्ड में देखने को मिली या न मिली। तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी, डाटा कंसोलिडेशन, गोल सीक, सिनेरियो आदि टूल्स की उपलब्धता, ये उसमें नहीं होता है। हालांकि बहुत सारे लोग MS वर्ड पे केवल लिखने का ही काम किए हैं, बहुत सारे टूल्स का प्रयोग वो लोग नहीं करते हैं। ठीक है, सिंपली जो आपको जो है होम मेन्यू पे दिखाई पड़ता है उसी सभी का आप प्रयोग कर पाते हैं, और जो उसके एडवांस टूल होते हैं उन सभी का प्रयोग बहुत कम ही लोग करते हैं। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन, वह मेनू आइटम जो फीके रंगों द्वारा दर्शाए होते हैं वह क्या बताते हैं। चलिए आंसर देख लीजिए दोस्तों, अगर वो फीके रंग के होंगे तो आपको क्या बताएंगे कि वर्तमान कार्य के लिए वह मेन्यू उपलब्ध नहीं है। आपने देखा हो दोस्तों कि ज़्यादातर जब भी आप किसी भी चीज़ को जो है, जैसे मैं देखिए यहाँ पर ही एक डायलॉग बॉक्स आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, ये एक आपको दिखाई पड़ रहा है, इस एक्शन बॉक्स में आप देख रहे होंगे कि ये देखिए ये फीके कलर से है, बाकी सभी चीज़ आपको व्हाइट व्हाइट दिख रही है, इसका मतलब ये है कि ये वाले बटन का प्रयोग मैं नहीं कर सकता हूँ, बाकी इन सभी का प्रयोग मैं कर सकता हूँ। ठीक है, उसी को वो कह रहा है कि फीके पड़े वाले के लिए जो है आप ऑप्शन को चुनिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 32 नंबर क्वेश्चन देखिए कि वर्ड में टेबल में उपस्थित टेक्स्ट को वर्टिकल प्रिंट करने के लिए आप क्या करेंगे।
तो देखिए दोस्तों, ये सब एडवांस लेवल के सारे क्वेश्चंस हैं, आपको समझ में आना चाहिए। ये कतई मत सोचिएगा कि आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। सिंपल क्वेश्चंस अब आपसे नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि जो है आपके लिए क्या है, कंपटीशन टफ है। इसलिए इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस को आप पढ़ाई करें, तभी आप जो है सिलेक्शन की ओर बढ़ पाएंगे, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, MIME इंटरनेट तकनीकी का पूरा नाम क्या है। चलिए आंसर की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका तकनीकी का फुल फॉर्म होगा सिक्योर मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, कि माउस की स्क्रॉल प्रॉपर्टी को निर्धारित किया जा सकता है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है, कि माउस की जो स्क्रॉल प्रॉपर्टी होती है, इसको कैसे निर्धारित कर सकते हैं। चलिए आंसर देख लीजिए दोस्तों, हाँ, इसको जो है आप लोग जो है किसी भी समय प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना, ये इसका जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कि पूर्व निर्धारित सेटिंग में एक वर्कबुक में 3 सीट होती है, इसे कितनी संख्या तक बढ़ाया जा सकता है। यदि आपने जो है कभी भी वर्कबुक बनाई हो, कहने का मतलब कि आपने एक्सेल पे काम किया हो और एक वर्कबुक क्रिएट की हो, तो एक वर्कबुक में अगर हम लोग कहें बाई डिफॉल्ट, तो वहां पे 3 सीट होती है, यानी 3 एक्सेल सीट होती है जिसपे आप काम कर सकते हैं, ठीक है। अब उसको कितने तक बढ़ाया जा सकता है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, मेमोरी की उपलब्धता पर निर्भर करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डिवाइस जो सीपीयू से नहीं जुड़ी होती है वह क्या कहलाती है। चलिए ये तो सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, वो जो डिवाइस जो आपकी सीपीयू से नहीं जुड़ी है वो क्या है, एक प्रकार की ऑफलाइन डिवाइस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कि टेलीफोन सिस्टम को निर्धारित किया जा सकता है, यानी वो क्या होता है, सिंप्लेक्स होता है, डुप्लेक्स होता है, सिंप्लेक्स और एसिमेट्रिकल होता है, या डुप्लेक्स या सिमेट्रिकल होता है। हालांकि इसके बारे में बहुत कमी लोगों ने पढ़ा होगा, चलिए इसके बारे में एक बार में डिटेल में आपको मैं बताऊंगा, ये डुप्लेक्स और सिमेट्रिकल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अक्षरों का जो केस बदलने के लिए हम MS पावर पॉइंट में किस चीज का प्रयोग करते हैं। शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग पूछ रहा है, कि किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। चलिए 38 का आंसर देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, शिफ्ट के साथ जब आप F3 प्रेस करते हैं तो आप केस चेंज का कार्य कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, कि एक टर्मिनल जिसमें लोकल प्रोसेसिंग की क्षमता नहीं होती है वह क्या कहलाती है। तो जब सिंपल सी चीज़ है दोस्तों, जब इस प्रकार की जो टर्मिनल जिसका प्रयोग बहुत ही लिमिटेड होता है, वो आपकी एक प्रकार की डंब टर्मिनल होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसोलिडेट डायलॉग बॉक्स निम्न में से कौन सा फंक्शन नहीं होता है। चलिए आंसर देख लेते हैं दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा प्रिंट, प्रिंट जो है आपका कंसोलिडेट डायलॉग बॉक्स में नहीं होता, ठीक है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह प्रोग्राम जिसमें लैन पर कार्य करने के लिए कुछ बदलाव किए जाते हैं, जैसे फाइल व रिकॉर्ड लॉक के लिए नियंत्रण करना, ये क्या होता है दोस्तों, समझिएगा। वह प्रोग्राम जिसे लैन पर कार्य करने के लिए कुछ बदलाव किया जाता है, तो वो होते हैं दोस्तों लैन इन, ये आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन लेन इंट्रिंसिक सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, MS पावर पॉइंट में सेलेक्ट किए हुए टेक्स्ट का आकार बनाने के लिए हम किस चीज का प्रयोग करते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे है, इसका जवाब देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, इसके लिए आप इस प्रकार के शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। आकार बढ़ाने की बात कर रहा है, घटाने की बात करेंगे तो हम इसकी कर लेंगे, ठीक है। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, और सभी लोग जिनको जो है अच्छे से तैयारी करनी है, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लीजिएगा। चलिए ई कॉमर्स क्या है, आजकल बहुत सारे लोग ई कॉमर्स का प्रयोग करते हैं, आप भी करते होंगे, तो वो क्या है दोस्तों, प्रोडक्ट व सर्विस को इंटरनेट द्वारा खरीदना व बेचना, ये आपका क्या कहलाता है, ई कॉमर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पावर पॉइंट में टेक्स्ट केवल दिखाई देता है, कहाँ पे दिखाई देता है भाई, ये आपके सामने स्लाइड शो में, नोट्स पेज व्यू में, स्लाइड सॉर्टर व्यू में, या आउटलाइन व्यू में, ये सारे व्यूज होते हैं जो आपको साइड में दिखाई पड़ते हैं, ठीक है, नॉर्मल व्यूज भी दिखाई पड़ता है। चलिए 44 का आंसर देखें दोस्तों, तो अगर आप पावर पॉइंट में आप टेक्स्ट और बुलेट्स देखना चाहते हैं तो आप किस में जाएंगे, आप जाएंगे 44 का डी, आप कह सकते हैं आउटलाइन व्यू में जाएंगे, तो केवल आपको टाइटल और बुलेट्स दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, कि निम्न में से किस क्लाइंट प्रोग्राम के प्रयोग द्वारा इंटरनेट सर्विस तथा WWW पर उपलब्ध संसाधन का प्रयोग कर सकते हैं। वो एक क्लाइंट प्रोग्राम है, तो आपको पता होगा दोस्तों वेब ब्राउजर का प्रयोग करते हैं आप कभी भी इंटरनेट सर्फिंग का करने जाते हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कि एक्सेल के पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स में क्या होता है भाई, तो पेस्ट स्पेशल बहुत कमी लोगों ने जो है किया होगा, वहां पर उसकी क्या होती है, वैल्यूज होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर क्या होगा, कि निम्न में से कौन सी पावर पॉइंट की सुविधा नहीं है, पावर पॉइंट यूज करने वाले को इस सुविधा के बारे में पता होगा, अगर नहीं किया है तो आप आंसर देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, कि लेजर प्रिंट के साथ स्लाइड का प्रिंट निकालना, ठीक है, ये सुविधा उस पर उपलब्ध नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिनोनिम्स शब्द ढूंढने के लिए आप वर्ड की किस यूटिलिटी का प्रयोग करते हैं।
आप देख रहे होंगे दोस्तों अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आपने किए इसमें से कम आप ये कह सकते हैं कि 75 क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस बेस्ड हैं। यदि आपने प्रैक्टिस नहीं किया है तो आप मेरे चैनल पे बने रहिएगा, मैं आपको पूरी पूरी प्रैक्टिस कराऊंगा ताकि आप जो है इन सभी चीज़ों को जान सकें। ठीक है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और भी चीज़ें, डायलॉग बॉक्स वगैरह सबके बारे में आपको एक प्रैक्टिकल बेस्ड अप्रोच से समझाया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि छोटे व सुविधाजनक कंप्यूटर जो यात्रा वाले समय आप अपने साथ ले जा सकते हैं वो क्या होते हैं। सिंपल सी जवाब हो जाएगा इसका, वो होते हैं लैपटॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्न निम्न में से किस रजिस्टर द्वारा मेमोरी एड्रेस के स्थान को ट्रैक किया जाता है। तो चलिए दोस्तों आंसर देख लीजिए, मेमोरी अगर आपको जो है को ट्रैक करना है तो आपको देखना होगा प्रोग्राम काउंटर को। ठीक है, इसके द्वारा क्या कर सकते हैं, मेमोरी एड्रेस को ट्रैक किया सकता है। तो दोस्तों ये थे आज आपके लिए 50 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में अब आ गया होगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट को लगाने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा। इसके बाद फिर आपको करना क्या है, जो बगल में बेल आइकन होता है उस बेल आइकन पर आपको क्लिक कर लेना है और ऑल नोटिफिकेशन की बेल को ऑन कर लेना है। इससे क्या होगा, मैं जितने भी वीडियोस अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक बहुत इजीली पहुंच जाएगा। तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी और आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करिएगा और तैयारी करने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।